पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ऑफिशियल वर्ल्ड कप किट की रूनुमाई के मौके पर कप्तान मिसबाउल हक का कहना है कि कौम की दुआओं के साथ बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे। शाहिद आफरीदी कहते हैं कि वो अपने आखिरी वर्ल्ड कप को यादगार बनाना चाहते हैं। लाहौर के मकामी होटल में कौमी क्रिकेट टीम के अशाइये के लिए सजाई गई रंगारंग तकरीब में कप्तान मिसबाउल हक ने कहा कि मेगा इवेंट के लिए टीम का मोराल बुलंद है, कौम की दुआओं से बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेंगे। दिफाई और जारहाना हिकमत अमली का मुजाहरा सूरत हाल को देख कर होगा। डिफेंसिव और अग्रेसिव स्ट्रेटजी हर स्पोर्ट्स का पार्ट है। ओवरऑल सिचुएशन के मुताबिक ये सारी स्ट्रेटजी बनानी होती है। स्ट्रेटजी एक ही होती है किसी भी मैच के लिए, किसी भी स्पोर्ट्स में, और वो होती है जीतने की स्ट्रेटजी। तो मेरे ख्याल में हर टीम जीतने के लिए जाती है। अपना आखिरी वर्ल्ड कप खेलने वाले बूम बूम आफरीदी ने कहा कि टीम मुत्तहिद है, मिसबाउल हक की क्यादत में 100% नताइज देने की कोशिश करेंगे। डेफिनेटली हमारी पूरी कोशिश है इंशाल्लाह एज अ टीम, और जिस तरीके से माशाल्लाह मिसबा टीम को लीड कर रहा है तो आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह अच्छा सा अच्छा रिजल्ट आएगा। एफर्ट इंशाल्लाह उसमें हम कोई गुस्ताखी नहीं करेंगे, बाकी रिजल्ट अल्लाह के हाथ में इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से हमने पास्ट में आप लोगों को खुशियाँ दी अपनी परफॉर्मेंसेस से, इंशाल्लाह दोबारा भी आप लोगों को देंगे। कौमी टीम वर्ल्ड कप में पहला मैच 15 फरवरी को रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ खेलेगी।